हेलो एंड वेलकम दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत की बहनों पर श्रुति मोदी के वकील ने लगाया है गंभीर आरोप। कहा एक्टर की दोनों बहनें ड्रग्स पार्टी में होती थी शामिल। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर हो रही जांच में हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग्स का एंगल जुड़ा है तब से हर कोई हैरान है। अभी तक रिया चक्रवर्ती का नाम ड्रग एंगल में सामने आ रहा था लेकिन अब सुशांत की बहनों का नाम भी इससे जुड़ने लगा है। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की मैनेजर रही श्रुति मोदी के वकील अशोक सारावगी ने एक निजी चैनल से बात की और उन्होंने बताया कि एक्टर की बहनें भी ड्रग्स लेती थी और ऐसी पार्टियों में शामिल होती थी। चैनल से बात करते हुए श्रुति के वकील ने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की बहनों को ऐसी पार्टीज़ काफ़ी पसंद थी और वो इन पार्टीज़ का हिस्सा बनती थी। अशोक ने इस बातचीत के दौरान इस बात का भी अंदेशा जताया है कि सुशांत के परिवार को इस बात की जानकारी थी कि एक्टर ड्रग लेते थे। वहीं वकील ने यह भी बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत के कुछ दोस्तों के व्हाट्सएप चैट्स ग्रुप में ड्रग्स को लेकर काफ़ी कुछ बातें हुई हैं। उस ग्रुप में सुशांत और रिया के अलावा सोहेल जो कि ड्राइवर और बॉडीगार्ड था, आयुष जो कि दोस्त थे और आनंदी जैसे लोग भी थे जो सुशांत सिंह राजपूत के घर रुक रुक कर ड्रग्स लेते थे। उस ग्रुप में जो कोई और था वो सभी ड्रग्स लेते थे। इन सभी ने एक बार श्रुति से भी ड्रग्स लेने को कहा था लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। श्रुति ने कहा कि अगर कोई उससे ऐसी बात दोबारा करेगा तो वो इस ग्रुप से हमेशा के लिए चली जाएंगी। इसके बाद किसी ने उनसे दोबारा ड्रग्स लेने को नहीं पूछा और उस ग्रुप में होने के कारण श्रुति को ये सारी बातें पता है। आपको बता दें कि श्रुति के वकील ने सुशांत सिंह राजपूत और उनकी बहनों को लेकर जो खुलासा किया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इन आरोपों पर सुशांत सिंह राजपूत की बहनों की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन।